सर, इस वक्त विपक्ष आपकी सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक्स हुई, उसका बीजेपी इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। जब पोस्टर देखते हैं तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की तस्वीर वहां पे दिखाई दे रहा है, नहीं होना चाहिए। और किसी भी राजनीतिक दल और कार्यकर्ता को और कई गलत कोई गलती से लगाता है तो उसकी आलोचना हो, उसको मना किया जाए। और मैं तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक कहा है। हमारी एक देखिए पाकिस्तान में और हम में क्या अंतर हुआ, एक क्रिटिकल अंतर, उसमें तीन चीजें थी। पाकिस्तान ने आरंभिक वर्षों में अपने इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो चुनाव फेयर नहीं होते थे शुरू में। अब थोड़ा सुधार हुआ, उनकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी, जो सरकार चाहती थी कर देती थी। लेकिन इनसे बड़ा, सबसे बड़ा अंतर हम में और पाकिस्तान में ये हुआ, हम एक देश थे 1947 तक। हमारी फौज प्रोफेशनल है, पॉलिटिक्स से एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखती है, डोमेस्टिक अफेयर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होती और देश की रक्षा करने के लिए एकदम प्रोफेशनल रहती है। उनकी फौज जो है वो पॉलिटिकल एम्बिशन वाली फौज थी, वो राजनीति चलाती थी, इसीलिए उसके फौज के जनरल्स 4 बार मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स बने। तो हमारे और उनकी डेमोक्रेसीज के बीच में, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रही और वहाँ बार बार टंबल करती रही, ये अंतर है। इसलिए हर राजनीतिक कार्यकर्ता को या व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को भी ये समझ में रहना चाहिए, चाहे वो मेरा समर्थक हो चाहे मेरा विरोधी हो, कि आपको एकदम आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिकल प्रोसेस से एक डिस्टेंस पे रखना चाहिए। और इसी में जो हमारी डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि आगे चल के नहीं होगा, क्योंकि कुछ देखिए ऐसा है कि ये कोई सरकार नहीं करती, ये राजनीतिक दल नहीं करते, कुछ तो नेता पहुंच कैमोफ्लेज जैकेट पहन के आ गए, कपड़े पहन के आ गए और उनको रैली में उनको मना किया गया। मतलब कोई नासमझी से करे तो उसको मना भी किया जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का ये उद्देश्य है कि इस विषय को हमें देश की भीतरी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बयान आ रहे हैं कि एक ने कहा पुलवामा खुद करवा लिया, दूसरे ने कहा कि पुलवामा के बाद बालाकोट चुनाव की वजह से किया। मुझे आप बताइए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी सेना के 3 मुखिया हो, इसका पुलवामा से कोई लिंक नहीं था। पुलवामा से जिनका लिंक था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कश्मीर में लिक्विडेट कर दिया। कोई एक आध बचा होगा तो कर देंगे उसको जब मौका मिलेगा उनको। आज हमारे देश को इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन आती है कि ये कैंप में इतने कोर्सेज शुरू हो रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान को टारगेट किया जाएगा अगले कुछ महीनों में। तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहते कि भाई ये आरोप लगेगा कि इसका राजनीतिकरण हो जाएगा, इसलिए अभी मत चलो, इसको इग्नोर कर दो। ये तो देश के साथ खिलवाड़ होती इफ दैट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हैड बीन इग्नोर्ड। तो जब, और इसका पुलवामा से कोई ताल्लुक नहीं था, योर इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिपेंडेंटली गेव यू दैट इंफॉर्मेशन, यू गॉट दैट इंफॉर्मेशन, एनी प्राइम मिनिस्टर वॉज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट, एंड इफ ही डिडंट एक्ट ही वुड बी लेटिंग डाउन द कंट्री। नाउ द क्वेश्चन इज, डिड ही हैव द डिसाइसिवनेस एंड द ब्रॉड शोल्डर्स टू टेक अ डिफिकल्ट डिसीजन? द प्राइम मिनिस्टर हैड इट। And I must say, at the time of surgical strikes, सेना प्रमुख ने कहा कि हम करके दिखाएंगे और एयर चीफ ने केवल कहा ही नहीं, मतलब जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया। और इसकी तुलना आप कीजिए, जब अगले दिन पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी एक्शन किया, वो रिटेलिएटरी था, एक बॉट्स्ड अप ऑपरेशन। आपकी एयरफोर्स सारे LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैयार थी, हर एयरबेस से आपके फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े हो गए, एक प्रकार से एयर वॉल उन्होंने बना ली, अग्रेसिव थे, उनको वापस लौटना पड़ा और आपका एक पायलट ऐसा कि जो उनको गिरा देता है और गिराने के बाद वो वापस भी आ सकता था, फिर भी उस डॉग फाइट इन द एयर में लगा रहता है। तो इसलिए जो एयरफोर्स ने किया है वो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व होना चाहिए। मतलब हम विपक्ष में थे 1971 में, लेकिन जो हमारी सेना ने किया, क्या हम सबको गर्व नहीं है उस पर?